बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर लेसन नंबर 3 के अंदर ये टॉपअप प्लान के ऊपर सारी इसकी सेटिंग करने के मुतालिक सीखा था कि हम इसकी सेटिंग को कैसे कर सकते हैं इस प्लान को बनाने के लिए। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस प्लान के ऊपर, किसके अंदर जो जो से मेथड वगैरह आते हैं तो उसके लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी वीडियो का टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट टॉपअप प्लान लाइन वर्क कोड एंड डेटा फिक्स डेटा बेसिस के हिसाब से। कौन सी जिस पे आपने लाइन वर्क करना है? अभी आप देख रहे हैं कि इधर हमारे पास बी ए ये जनरल पॉइंट्स हैं। इसके अंदर आप ये देख रहे हैं कि इधर मैंने BOP लिखा हुआ है, BW2 के साथ BOPA, ये हमारी एक बिल्डिंग प्लाजा है। उसके साथ जिधर से ये पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं उधर से लेकर एंड तक ये मैंने क्लोज किया हुआ है। जिसके साथ BOP और CLS जिसके ऊपर आप लाइन वर्क करना चाहते हैं वो डेटा आपने इसके अंदर, इस डेटा के अंदर इनपुट करना है। अभी जैसे सपोज ये मेरे पास BW2 है, इसको मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। आपने सेम टू सेम यही चीज़ इसके अंदर करनी है, आपने ऐड कर देना है प्लस वाले निशान के ऊपर, सैंपल के ऊपर आना है, उधर कंट्रोल भी कर देना है, वही आपने लेयर इसकी बना देनी है। ये हमारी पहली लाइन वर्क की लेयर बन जाएगी जो प्रीफिक्स डेटा बेस की होगी। इसी तरह आप नीचे आ जाते हैं, ये CS चल रहा है, ये ड्रेन है, ड्रेन के भी हमने मैं सेटिंग नहीं की। इलेक्ट्रिक पोल जो है ये जनरल पॉइंट्स होते हैं, सिंगल पॉइंट या लाइन जो जा रही होती है उसके हिसाब से होता है। ये FC है। इसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास फार्म हाउस है, फार्म हाउस भी आप इसी तरह एफ हाउस जो है इसका भी हमने इसको बनाना चाहते हैं। आप इसके साथ आप लिखते हैं BOP, तो ये डेटा जो है इसके जो डिस्क्रिप्शन होगी इसको मैं इससे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैंने लगाना है, पेस्ट कर देता हूँ और इसी तरह लेयर के अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। आपने वही इतना फिगर लिखने जो कि इसके अंदर आ रहे हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, ये गैस चैम्बर है, ग्रेवयार्ड है, लाइट पोल है, ये आपने नीचे आते जाना। उसके बाद ये NSL हमारे जनरल पॉइंट है, काफ़ी सारे थे, इसको मैंने एक सीक्वेंस के अंदर किया। तो नीचे जो हमारा लाइन वर्क है वो मैक्सिमम हमारा इधर नीचे है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे रोड शुरू हो गए, इधर से रोड से ऊपर थोड़ा सा हमारी दो तीन बिल्डिंग्स वगैरह इधर हैं उनको हम लगाएंगे। उसके बाद रोड्स वगैरह को हम इसके साथ ऐड कर देंगे। ये ट्रीज़ वगैरह हैं, ट्रीज़ भी हमारे नॉर्मल सिंगल सिंगल पॉइंट होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर आ गया रोड 1 CL। आप इसको इधर से कॉपी करें और इधर आ जाएं, इधर न्यू के ऊपर आ जाएं और इधर आपने कर देना है रोड 1 CL, उसी को पेस्ट कर दें। ये आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें। इसी तरह आप न्यू लेयर को ऐड कर दें, इसको इधर रोड 1 CL है, उसके बाद रोड 1 LS, इसको आपने इधर से कॉपी करना है और इसके अंदर आना है आपने जस्ट इधर से रोड 1 LS। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये रोड 1 RS है। तो आपने जो जो से लाइन वर्क का डेटा करना है वो आपने इधर इसको इधर लगाना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह ये R2 सेंटर लाइन है, इसके हम लाइन वर्क करना चाहते हैं, ये R2 इधर आ जाएगा और इधर इसी तरीके से इसकी लेयर बन जाएगी। इधर नीचे आ जाएं आप, ये R2 RS, सिंगल 3D के अंदर RS और ऐड कर दें इसके अंदर, ऐड करते जाएं। जितने जितने पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट्स का कोड आपने इसके अंदर इंटर करना है। ये हम छोड़ गए थे, हमने LS सारी बनानी है इसकी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रोड 3, ये आपने सारे इसी तरह ये ऐड करते जाने। आप देख रहे हैं सबके साथ CLS और बिगनिंग का पॉइंट लिखा हुआ है। आपने इस पॉइंट को इसी तरीके से जो लाइन वर्क होएगा आपने उसकी पहले उसको सीक्वेंस उसका सीधा करना है और उसके बाद आपने उसको बना देना है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये मैंने
सारा डेटा इधर इनपुट कर दिया, ये कंप्लीट शुरू से लेके आखिर तक ये सारा डेटा और साथ उनकी उसी नेम पे लेयर्स। तो अभी आपने इसमें से ब्रेक लाइंस, लॉट लाइन और ये स्टाइल वगैरह, इसको आपने किसी को नहीं करना। इसके बाद आगे हम जब जाएंगे उसके अंदर इन चीज़ों को हम उसकी सेटिंग्स वगैरह सारी करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इधर से आपने ये डेटा सारा जो जो सभी लाइन वर्क आपके पास आ रहा है उसके साथ आपने CLS, BOP और साथ उसके दरमियान में उनके डिस्क्रिप्शन वगैरह होंगे, और ये लाइन्स को आपने इसी तरह लिखना है, और लिखने के बाद आपने इधर डेटा प्रीफिक्स के अंदर इसको ऐड कर देना। ऐड करने के बाद आपने इसको इधर से ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये वाला ऐसा आप देख रहे हैं कि ABC जो हमने कोड प्रीफिक्स वर्क्स और लाइन वर्क कोड सेट किया है उसको हमने बना दिया है। अभी आपने आ जाना सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आएंगे, इधर आपने आना पॉइंट्स के अंदर। ये सेटिंग दूसरे नंबर की टैब होगी, इसके अंदर पॉइंट्स के अंदर, और इधर से डिस्क्रिप्शन की सेट्स, और नीचे Civil 3D, इधर आपने एडिट की के ऊपर आ जाना है। अभी आप देख रहे हैं कि इधर ये पुरानी हमारे पास इधर तीन बनी हुई है, TRS और ST है। तो आपने इनको सबको इधर से ख़त्म कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट करेंगे तो ये हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आप आते हैं तो ये न्यू डिस्क्रिप्शन की है। इस पोर्शन के अंदर आपने ये सारे डिस्क्रिप्शन जितने भी आपके पास आ रहे हैं, या ये जितने भी आ रहे थे आपके पास इस पोर्शन के अंदर जितने भी आ रहे हैं वो सारे लिखने हैं। इसके अंदर BOP CLS आपने नहीं लिखना, BOP CLS नहीं लिखना। बाकी जो जनरल जितने भी कोडिंग है आपके, पार्क है आपकी, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, जो भी है, सारे आपने इधर इसके अंदर हर चीज़ आपने इंटर करनी है। इस सेगमेंट के अंदर इंटर करनी है, इधर आपका लेबल स्टाइल भी आएगा और सारा कुछ होएगा। तो हम इसको इधर से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए बेहतर है आप ये सारे डिस्क्रिप्शन इधर एक साइड के ऊपर इधर लिख लें। इधर से जो जो से लिखे हुए हैं सारे इधर आप एक साइड के ऊपर लिख लें, और इधर से आपने Civil 3D के ऊपर आ जाना है। आना है इधर आपने सेकंड नंबर के ऊपर, पहला नंबर प्रोस्पेक्टर है, सेकंड नंबर के ऊपर सेटिंग है। आपने सेटिंग के ऊपर आ जाना है, इधर से आपने पॉइंट्स के ऊपर आना है, इधर से आपने डिस्क्रिप्शन की आप देख रहे हैं कि आपके सामने, इसको आपने प्लस के निशान पर क्लिक करना और Civil 3D को सिलेक्ट करके एडिट कीज के ऊपर आ जाना है। ये हमारे पास पुरानी बनी हुई है, आपने इसको इधर से डिलीट कर देना है। उसके बाद आपने इधर से इसको नया बना लें, इसको भी मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ, और दोबारा इधर से ओपन करेंगे इसको। ये न्यू डिस्क्रिप्शन की आ रही है। तो पहले आपने एक्सेल को अगर लिख लेना, या आपने सामने कोई लिस्ट बना लेनी है, उसके सामने आपने देख के इसके ऊपर ये चीज़ें इंटर करनी है। इसको मैं इधर से करता हूँ और ये सामने रख देता हूँ। जो आप देख रहे हैं कि पहली जो डिस्क्रिप्शन की है हमारे पास, वो है हमारे पास बी की। तो आपने इधर न्यू डिस्क्रिप्शन के ऊपर आना है, पहले नंबर पे आपने इधर से बी लिखना है। स्टाइल आप पॉइंट स्टाइल बी के ऊपर कौन से लिखना चाहेंगे इसको क्लिक कर दें, और इधर से आपने इसको बेसिक कर दें। बेसिक पॉइंट हमारा आएगा बी के ऊपर, और इधर से पॉइंट लेबल स्टाइल। अभी इसमें लेबल स्टाइल है, डिस्क्रिप्शन ओनली है, डिस्क्रिप्शन एलिवेशन है, एलिवेशन है, नथिंग स्ट्रिंग पॉइंट नंबर। तो आप उसमें क्या लगना चाहते हैं, हम इसके अंदर जस्ट इधर से डिस्क्रिप्शन ओनली करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद ये लेयर है, लेयर को आपने सेलेक्ट करना है, और इधर आपने न्यू लेयर को बना देना है। न्यू लेयर को बनाना है, और इधर आपने इसकी लेयर दोबारा बनानी है बी। कलर जो भी आप पॉइंट्स का रखना चाहते हैं आप वो कलर रख लें, वाइट है जिसमें उसको वाइट ही कर दें। तो ये पहली लेयर हमारी इधर से क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद इसी तरह आपने इसको जैसे कॉपी कर लेना है, ये नीचे आ जाएगी कॉपी। ओके, नीचे हमारे पास है बेंच मार्क, ये इधर से आपने सेम टू सेम इसी तरह आपने इसको कॉपी कर लेना है, और इधर आपने आना है और इधर पेस्ट कर देना आपने इसको। ये बेंच मार्क हो जाएगा, पॉइंट स्टाइल इधर से आ गया, और बेंच मार्क, ये बेंच मार्क के पॉइंट स्टाइल है, ये आप देख रहे हैं, इधर दिखाता हूँ। तो ये हमारा इस टाइप का पॉइंट होगा, आपने इधर से उसका पॉइंट चेंज कर देना है। इसके साथ आप डिस्क्रिप्शन या एलिवेशन लिखना चाहते हैं तो चेंज करना चाहते हैं तो कर देते। मैं जैसे एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन इसका दोनों पॉइंट्स का कर देता हूँ। उसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे लेयर के ऊपर। अभी आप देख रहे हैं कि लेयर हमारी वही चल रही है, आपने इधर से न्यू आना है, और इधर आपने BM की लेयर डाल देनी है। कलर आपने डिफ़ॉल्ट वही रखना। अभी आप देख रहे हैं कि दो बन गई है हमारे पास। इधर से इसी तरह आपने इधर नीचे आ जाना है, उसको आपने न्यू कर देना है या कॉपी कर ले कोई भी। मैं कॉपी कर लेता हूँ इधर से, तो कॉपी ऑफ बेंच मार्क आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास BL, तो इधर से आपने इसको रिप्लेस कर देना है, नाम लिख देना है BL का। इसके पॉइंट आपने जो भी है हमारे पास डिफ़ॉल्ट बेसिक आपने बेसिक कर देने। इसके ऊपर अगर आप सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन करके ओके कर दें, और इधर से आपने इसकी लेयर के ऊपर न्यू आ जाएँ, और इधर से आपने इसकी लेयर को ही बना दें जो आपके पास है। BL कलर आप बिल्डिंग लाइन है हमारी, इसकी कलर आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें।
थर्ड आ गई है, इसके बाद आपने इसको दोबारा कॉपी कर लेना है और नीचे आ जाना है। तो ये इधर हमारे पास BL2 है, ये हमारे पास आ जाएगी BL2, ये सेम टू सेम है, BL बिल्डिंग लाइन 2 है, बाकी चीज़ें हमने इसकी डिफॉल्ट रखनी है। इस तरह आपने कॉपी करके नीचे आ जाना है। और नेक्स्ट है हमारे पास BL3, BL3 आपने कर देनी, इसी तरह आपने कॉपी करके नीचे आ जाना है। और जो हमारे पास है BL4, आप देख रहे हैं कि BL4 है, उसके बाद आपने BL4 को भी हमने वही रखना है। उसके बाद आपने दोबारा से कॉपी करना है। ये नीचे नेक्स्ट हमारे पास है इधर BW, ये आपने इसका डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, BW कर देना है इसका। पॉइंट हमारा बेसिक ही आ जाएंगे, और इसी तरीके से आप इसकी लेयर चेंज कर दें, अगर BW आप इसकी लेयर कर दें ताकि आपको आगे काम में आसानी हो जाए। इसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर इसका चेंज कर दें। इसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है अगर BW2 है, BW2 भी है। इसी तरह आपने इसको आपने जैसे कॉपी करते जाना है, इधर आप वापस है BW2, BW2 कर देना, बाकी चीज़ें हम वही रखेंगे इसकी। पास्ता नेक्स्ट BW2 थी, ये हमने इसकी लेयर बना दी है सेम टू सेम, आगे BW3, 4 और 6। उसको हम थ्री करेंगे, ये हमारे पास 4 आ जाएगी। उसके बाद है हमारे पास 6, तो आपने आगे इसको इसी तरीके से उसको कॉपी कर देना है और इधर 6 कर देना है। तो भी आप देख रहे हैं कि जो जो उनकी कैटेगरी है सारी सेम टू सेम आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास CS, आपने इधर नीचे आ जाना है, CS की जो कैटेगरी है आप उसको इधर क्रिएट करना है। CS आपने इधर लिख देना इसके ऊपर, और पॉइंट स्टाइल आपके पास इसका आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख लें। इधर बेसिक है, बेसिक सिलेक्ट रहने, जस्ट बताने का मकसद है कि आप इसको इधर से इसी तरह क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह इसकी आप न्यू लेयर बना दें CS के नाम से। कलर आप इसका रखना चाहते हैं कोई भी कलर, आप इधर से इसका चेंज करके ओके कर दें। इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे पास इधर ई पोल है, आपने ये इसी तरह ई पोल जिस तरह लिखा हुआ है उसको जैसे कॉपी करना है, और इधर आपने इसको कंट्रोल भी करके रिप्लेस कर देना है, और इधर से आप इसकी लेयर भी सेम टू सेम वही बना देनी है। ओके कर दें। इधर पॉइंट के ऊपर आपने आ जाने ई पोल के, और इधर से आपने इसके पॉइंट को चेंज कर देना है। इधर यूटिलिटी पोल का एक सेंड है हमारे पास, ये आप देख रहे हैं यूटिलिटी पोल डिफॉल्ट के अंदर है, आप ये हमारा इस टाइप का ये पोल आ जाएगा, तो आपने इसके पोल को इधर से आपने चेंज कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास FC, इसको आपने इधर से चेंज करना है, नाम लिख देना है FC। इसका पॉइंट शायद आप इसी तरीके से बेसिक कर दें, और इधर आपने उसकी लेयर को चेंज कर देना। इसी तरह आपने ये सारे एंड तक बनाने हैं, जिस तरह ये आपके सामने है, जो जो सी भी आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है आपने उसको उसी तरीके से उस डिस्क्रिप्शन को आपने बनाना है। और सब कलर वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं थोड़ा अलग अलग कलर रखेंगे तो ये आपका प्लान खूबसूरत बनेगा। उस पास एक गैस चैम्बर, ये आपने डिस्क्रिप्शन इधर से कॉपी कर लेना है, नीचे आ जाना है इसके ऊपर। तो इधर से आपने जो गैस चैम्बर का जो भी जा रहा है वो
सैंड आपने वो लगा देना है, ये गैस वाल्व है, आप इसका सैंड इधर से लगा दें, ये आपके पार्ट्स इधर से उसके चेंज हो जाएंगे। इधर से आपने इसकी लेयर को भी इधर से आपने चेंज कर देना है, कलर जो रखना चाहते हैं इसका कलर हम ग्रीन रखेंगे इधर। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि सारे इसी तरीके से मैं बनाता जा रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से इसका समझ आ जाए। आगे हमारे पास ग्रेवयार्ड, ये ग्रेवयार्ड है, इधर से इसको उसी ग्राफ पे कॉपी करना है, उसको आपने इधर रिप्लेस कर देना है, और इसका पॉइंट स्टाइल आपने इधर से बेसिक कर देना है, और जैसे आपने इसकी लेयर बना लेनी है। लेयर आप इसकी बनाते जाएंगे तो ये आपका काम सारा आसान होएगा। इसका कलर भी इसी तरीके से आप चेंज कर दें, जो सा भी आप रखना चाहते हैं, येलो कलर मैं इसका रखना चाहता हूँ। ओके ओके बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आगे देख रहे हैं हाइड्रेंट है, उसको आपने कॉपी करना है, और जैसे आपने इसी तरीके से इसको आपने जैसे रिप्लेस कर देना, पॉइंट के ऊपर आ जाना है। हाइड्रेंट का अगर हमारे पास बना हुआ है, हाइड्रेंट एग्जिस्टिंग और हाइड्रेंट प्रपोज, तो एग्जिस्टिंग है तो आपने इधर एग्जिस्टिंग बना देना, तो ये हमारे पास हाइड्रेंट का निशान इधर सैंपल उसी तरीके से आ गया। आगे इसकी लेयर आपने चेंज कर देनी है, कलर इसका ब्लू कर देना है, पानी का जो कलर होता है वो मैक्सिमम इधर ब्लू यूज होता है। उसी तरीके से आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास आगे लाइट पोल आ गया है, लाइट पोल का आपने ये सारे बनाते जाने हैं आपने, इसके अंदर शुरू से लेके आखिर तक आपने इसकी वर्किंग करनी है। तो पहली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको इसकी सारी सेटिंग्स के मुतालिक बताया था, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन स्किल्स के मुतालिक बताया डिटेल के साथ कि आप उसको कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों समझाने का मकसद ये आएगा कि आपको उसका अच्छे तरीके से समझ। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये मैंने सारे इधर इनपुट कर दिए, सारे आपने भी सारे जितने भी आपके डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं सारे के सारे आपने इस तरह लिख लेने हैं, उनके पॉइंट्स वगैरह चेंज कर देने, जो भी उसे नाम के साथ आ रहे हैं, लेबल स्टाइल वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं वो कर दें, लेयर्स आप सबकी अलग अलग बना दें। तो आपने डिस्क्रिप्शन की सबकी इस तरीके से इनपुट कर देनी है, इनपुट करने के बाद आप इसको जैसे ऑफ कर दें तो ये हमारा डिस्क्रिप्शन की इधर ओके होगी। अभी आप देख रहे हैं कि सर्वे के अंदर हमने सबसे पहले हमने इधर अपना लाइन वर्क कोड किया था, कोड वन बनाया था, उसके बाद ABC के ऊपर हमने फिगर प्रेफिक्स के ऊपर जो लाइन वर्क था उसकी इधर वर्किंग की थी, और उसके बाद आगे आके हमने इधर सेटिंग के अंदर आके इधर पॉइंट्स में और इधर इसे डिस्क्रिप्शन की इसको हमने इधर इनपुट कर दिया। अभी हमारा सारा काम इधर कंप्लीट हो गया, अभी हम दोबारा सर्वे के ऊपर आ जाएंगे और इधर से हमने पॉइंट्स को अपने इम्पोर्ट्स करना है। जस्ट अभी हम पॉइंट को इम्पोर्ट करेंगे तो ये हमारा डेटा सारा इधर क्लियर हो जाएगा। अभी आप ओपन ही एडिट कर दें, इम्पोर्ट्स इवेंट्स में आ गए, इधर से आपने इम्पोर्ट सर्वे डेटा के ऊपर आना है। ये टापो, ये हमारे पास टापो जो हमारा प्रोजेक्ट का नाम था वो आया हुआ है, इधर से आप इसको नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करना है इधर ये पॉइंट फाइल आ जाएगी, फाइल फॉर्मेट आप इधर से इम्पोर्ट करें, आपने इधर प्लस वाले निशान के ऊपर आना है, वो इधर से जो हमने सर्वे डेटा अपना बनाया था उसको हमने इधर से ओपन कर लेना है। ये हमारे पास एक्चुअल डेटा था और ये हमारे पास जो डेटा हमने इधर से इसको की सेटिंग की हुई है तो इसको ओपन कर देना। तो भी आप देख रहे हैं कि सारे बेंच मार्क की हर चीज़ हमारी CSV फाइल बनी हुई है, आपने इसको इधर से ओपन कर लेना है और नीचे आपने आ जाना है, और इधर से जो उसका फाइल का फॉर्मेट है, मेरा फाइल का फॉर्मेट है PNEZ डिस्क्रिप्शन, ये आ जाएगा, इधर से आप इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करना है इधर आप नेटवर्क, इधर आपके पास नहीं है आपने क्रिएट नेटवर्क कर देना है, इधर आप कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, मैं इसका नाम रख देता हूँ DXF का, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ओके कर दें, ये DXF आ जाएगा, आपने इधर से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करना है तो इसके अंदर आपने थोड़ी सी एडिटिंग करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर कंट्रोल पॉइंट आ रहे हैं, आपने इधर कंट्रोल पॉइंट कर देना है, इधर से जो आपने जो ये सर्फेस फिगर की बनाई थी ABC, आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास इधर आप लेफ्ट साइड में आपको माउस नज़र आ रहा है ABC है, तो इधर से आपने ABC को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद नीचे आप देख रहे हैं कि कोड सेट वन है, ये इधर हमारे पास कोड वन है, तो इधर से आपने इसको नो करना है पहले, और इधर से आपने देख लेना जो अगर आपके पास ज़्यादा बने हुए तो आप इधर से इसको चेंज कर सकते हो। तो कोड वन है, कोड वन को आपने इधर सेलेक्ट करके इसको आप इधर से ऑफ कर देना है। नीचे आना है, ये हमारे पास PNZ सर्वे डेटा फाइल हुआ हुआ है, और नीचे आपने इंसर्ट ऑब्जेक्ट फिगर यस और इंसर्ट सर्वे पॉइंट्स यस कर देना, तो इसको आपने इधर यस करके और इधर से आप इसको फिनिश कर देना।
रिस्क करेंगे तो थोड़ा सा आपने वेट करना, तो ये डेटा हमारा इधर इम्पोर्ट होना इधर शुरू हो गया है, तो ये 2 मिनट थोड़ी से आपने वेट करना, तो इधर आपका डेटा सारा आपका आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ये कंप्लीट सर्वे डेटा हमारा इधर आ गया, इसके अंदर हमारे ये NSL बेंचमार्क, इसके एलिवेशंस वगैरह हैं, ट्रीज वगैरह हैं, और इधर हमारे पास जो जो सी भी हमने पॉइंट्स के डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज किए थे, सारे के सारे चेंज हो गए, और सारा का सारा ये प्लान हमारे पास इधर आ गया। अभी आप देख जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे पास वेल है, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर आया हुआ, ये हमारे पास गैस चैम्बर आ रहा है, ये DV गैस चैम्बर वगैरह, तो जो जो से भी आपने इसके अंदर चीज़ों को चेंज किया था कि सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज होंगी। अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर हमारे पास अभी जो लाइन वर्क है वो नहीं आया, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने करना है कि सबसे पहले मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया, तो उसके बाद आपने इधर सर्वे डेटा के ऊपर आ जाना है, राइट क्लिक करना है, और इधर आपने प्रोसेस लाइन वर्क इधर से आपने क्लिक कर देना है। आप इसको क्लिक करें तो ये आपके सामने आ जाएगा इसका डेटा, ऊपर हमारे पास सरफेस आ जाएगी, नीचे हमारा कोड 1, ये सरफेस ABC और कोड 1 नीचे आया हुआ, और नीचे इंसर्ट फिगर ऑब्जेक्ट यस और इंसर्ट सर्वे पॉइंट यस। तो अगर आपके पास ये ऑफ है तो चेक इन, तो आपने दोनों को चेक लगा देंगे, लगाने के बाद आपने इधर से ओके कर देना है। ओके करेंगे तो जस्ट आप देखेंगे हमारे पास कंप्लीट उसका जो भी प्लान था वो सारा का सारा इधर ये सारा ड्रा हो गया, जिस तरीके से भी हमने उन प्लांट्स को इधर बनाया था, तो पूरी को पूरी जो चीज़ें हैं सारी की सारी इधर ऑटोमेटिकली इधर ड्रा हो गई हैं। इधर से इसका स्केल आप छोटा करके इसको मजीद तफसीलन देख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को आप देख रहे हैं कि पूरा जो भी डेटा हमने बनाया था, जो जो उनसे कलर दिए थे, सबके ऊपर हमारे ये रोड्स वगैरह मार्क हो गए, बिल्डिंग लाइन्स हैं, ये पार्क गए, जो भी जो चीज़ें जो हमने लैंड वर्क के ऊपर इधर ABC के अंदर इधर की थी, ये उसके हिसाब से ये डेटा सारा इधर उसने उसका लैंड वर्क इधर लगा दिया है। आप भी इस काम को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं, मैंने इसको दोस्तों में आपको बताया, ये लेसन 4 के अंदर जो हमारी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपने इसी तरीके से बनानी है, तो ये लैंड वर्क कोड आप इस तरीके से जो भी टॉपअप प्लान है अपना इसके अंदर बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ मेरे साथ अटैच रहें, और ये कंप्लीट सिविल 3D के मतलब जो जो से छोटी छोटी चीज़ भी है उसके मतलब मैं आपको इधर बताऊंगा। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मिलते हैं अगले लेसन के ऊपर जिसके अंदर हम बात करेंगे अपने सरफेस के ऊपर, सरफेस आपने कैसे बनानी है और उसके ऊपर आगे जहर को कैसे चलाना है। अल्लाह हाफिज़।